विधानसभा क्षेत्र गगरेट के उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने कमर कसते हुए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, जिसका उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। चैतन्य शर्मा ने शिवपुर, नंगल, जरियाला, सलोह, मरवाड़ी, अम्बोटा, गोंदपुर, बनेहेड़ा इत्यादि गाँव में संपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने समर्थन हेतु आशीर्वाद मांगा। चैतन्य शर्मा ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव हेतु परिवर्तन की जबरदस्त लहर चल रही है, जो दलगत राजनीति का सूपड़ा साफ करते उनको विजय दिलाएगी। 14 माह से प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े होने की वजह से जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। उन्होंने दावा किया है कि जनता उनके विजन को समझ रही है और उनके फैसले का समर्थन करती दिख रही है। जनता झूठे वादों का शिकार होने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने हेतु भाजपा के पक्ष में वोट करेगी। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष जितनी मर्जी कीचड़ उनके खिलाफ उछाल ले, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं, क्योंकि जिला पार्षद रहते हुए भंजाल वार्ड में काम करके वह विरोधी पक्ष को पहले ही आईना दिखा चुके हैं। जबकि 14 माह तक विधायक रहते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार को लेकर उम्र में सबसे छोटे विधायक होते हुए सबसे ज्यादा प्रश्न उठाकर जनता का हक मांगा, लेकिन जब उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाने लगा, तब उन्होंने राज्यसभा के चुनाव भाजपा के पक्ष में वोट डालकर परिवर्तन के लिए बिगुल बजा दिया और यह बिगुल साबित करेगा कि 4 जून को कमल का फूल खिलना तय है। बूथ नंबर 23-24-36 आयुष्मान कार्ड चल रहा है, वहाँ चलता है नहीं तो वहाँ फ्री हो जाए आने जाने का खर्चा ज्यादा है। आपका आशीर्वाद पानी हूं बोलना क्या थी गुस्सा बड़ा तू मेरी राजा वीरभद्र की सरकार में हर्ष महाजन मंत्री थे 2 बारी, जैसे कुलदीप कुमार मंत्री थे 2 टाइम डेली वेज पर डेली हमें पहल के आए ना। बिल्कुल बिल्कुल अंकल उसी राजा की सरकार में हर्ष महाजन मंत्री था। ले गए थे ना डिटेल आपका? हाँ जी, ले गए थे। ठीक है।
और ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं अभी ये तीन का शेड डाल देते हैं बाबा जी की इस तपोभूमि में आपकी मनोकामनाओं को भी पंख लगे, यही आपके लिए इस व्यासपीठ से हमारी प्रार्थना है। आप पधारे, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। अब हम कथा में वापस लौटेंगे तो सब लोग पुनः एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी ने अपने द्वारा लिखे गए श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ को श्रीमान सुखदेव जी महाराज को पढ़ा दिया। सुखदेव जी ने जब इस भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया तो उन्होंने अपने गुरु जी को यह वचन दिया कि गुरु जी, जो आपने मुझको सुनाया है ना, मैं जगत में बांटूंगा इसको, परंतु जिस दिन मुझको कोई अधिकारी श्रोता मिल जाएगा ना, उस दिन बांटूंगा, अनाधिकारी को नहीं सुनाऊंगा। प्रसन्न हुए गुरु जी, सुखदेव जी वापस जंगलों की तंद्राओं में वापस लौट गए और वही